गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर 6. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन. मीन्स आज हम देखेंगे कौन से प्लेसेस पे हम रहते हैं या फिर रहते थे पहले. नाउ फर्स्ट वन, फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो. यहाँ पे एक पजल दिया है, इसमें आप नेम्स ऑफ टाउन्स देख सकते हैं, पजल है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ डज अ टाउन फॉर्म? टाउन कैसे बनता है? इन वेरी ओल्ड टाइम्स, मीन्स पहले के ज़माने में, बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग, मीन्स जहाँ मैन मीन्स फार्मिंग नहीं करते थे, उसके पहले ही लिव्ड इन अ नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक लाइफ मीन्स ट्रैवलिंग लाइफ, मीन्स यहाँ से वहाँ जाना. ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो इन वेरी ओल्डन डेज मैन यूज टू लीव अ नोमैडिक लाइफ, मीन्स वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो जगह जगह पे ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगह पे. ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स. उनका वो किस पे डिपेंड होते थे? हंटिंग एनिमल्स मीन्स एनिमल्स को मारना, एंड गैदरिंग फ्रूट, और जगह जगह से फ्रूट्स कलेक्ट करना, रूट्स एंड बल्ब्स फॉर फूड. ये उनका पहले का काम था. क्या था? मीन्स फार्मिंग करने से पहले, एग्रीकल्चर करने से पहले उनका काम क्या था? दे वर डिपेंडेड ऑन हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को मारना, फिर अलग अलग जगह से फ्रूट्स को कलेक्ट करना, रूट्स को कलेक्ट करना, बल्ब्स, और ये चीज़ वो क्या करते थे? खाते थे. मीन्स ये उनका फूड था. लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं ये सीख लिया, फार्मिंग कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, ये धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया. उससे पहले वो क्या करते थे? एनिमल्स, फ्रूट्स, रूट्स, ये सब खाते थे. फिर बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, जवार, बाजरा, राइस, ऑल दिस क्रॉप्स दे स्टार्टेड ग्रोइंग इन देयर एग्रीकल्चर. ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सूटेबल लैंड. और वो क्या होते थे पहले, क्या करते थे? वो यहाँ से वहाँ जाते थे, जहाँ पे उन्हें खाना मिला वहाँ पे वो सेटल हो जाते थे. लेकिन जैसे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, वो उन्होंने क्या किया, वो सेटल होने अभी स्टार्ट हो गए. जहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर है या फिर फार्मिंग है, वहाँ पे वो सेटल होने को स्टार्ट हुए. ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सूटेबल लैंड, जहाँ पे लैंड अच्छा होता था, लैंड एंड वाटर, जहाँ पे लैंड और पानी दोनों भी अच्छे थे, वहाँ पे वो सेट होने स्टार्ट हो गए. पीपल बिगेन टू बिल्ड हाउसेस इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर. और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जहाँ पे लैंड और वाटर सूटेबल है वहाँ पे उन्होंने अपने हाउसेस बांध लिए और वहाँ पे सेटल हो गए. दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग. और वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए स्टार्ट करने, वो एक दूसरे को हेल्प करते थे. क्यों? फॉर द फार्मिंग. क्योंकि सबको ही पता या नहीं था, जिसको पता था वो एक दूसरे को हेल्प करते थे और फार्मिंग करते थे. देयर हाउसेस वर क्लोज बाय. और उनके घर भी आजू बाजू में होते थे. थस सेटलमेंट्स वर फॉर्म. और इस तरीके से सेटलमेंट्स फॉर्म हो गए. सेटलमेंट्स मीन्स छोटी छोटी बस्तियाँ फॉर्म हो गई. द सेटलमेंट्स बिगेन टू ग्रो बिगर. और ये जो छोटी छोटी बस्ती फॉर्म होने लगी वो धीरे धीरे बड़ी होती गई. मैनी सेटलमेंट्स मर्ज. और ये सारी बस्तियाँ एक साथ आ गई. मैनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेज. और इन सारी बस्तियों का क्या फॉर्म हो गया? एक विलेज. क्या फॉर्म हो गया? एक विलेज. पहले वो क्या करते थे? पहले वो यहाँ से वहाँ घूमते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे उन्हें लैंड और वाटर अच्छा मिलने लगा फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो वहाँ पे ही सेटल हो गए. और धीरे धीरे सेटल होते होते ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट्स हो गए, बस्तियाँ हो गई फॉर्म, और इन सब बस्तियों को मिला के एक गांव फॉर्म हो गया. विलेज मीन्स गांव. पीपल फेल्ट सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट्स. और लोगों को सेफ, पीपल फेल्ट सेफर मीन्स लोग सेफ, खुद को सेफ बोलते थे, मीन्स ऐसा मानते थे कि हम यहाँ पे रहने के लिए सेफ है, इसलिए वो वहाँ पे सेटलमेंट्स में रहना स्टार्ट करने लगे. अब फार्मिंग डेवलप. और इससे क्या हुआ, फार्मिंग की प्रोसेस डेवलप हो गई. पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क.
और लोगों को भी अच्छा काम मिलने को स्टार्ट हुआ। अलग अलग टाइप का डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क उन्हें मिलने लगा। वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, क्योंकि एक ही आदमी सब काम नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों ने अलग अलग काइंड्स ऑफ वर्क, दे स्टार्टेड टू डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल, तो जिसे जो काम आता था वो उन्होंने अपने में डिवाइड कर लिया और वो काम करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग वुडन एम्प्लीमेंट्स, एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे कैसे कैसे काम उन्होंने स्टार्ट किए करना। मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स मीन्स लकड़ी से कुछ चीज़ें बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। रिपेयरिंग देम, उन्हें रिपेयर करना स्टार्ट किया। वीविंग क्लोथ मीन्स कपड़े बनाने स्टार्ट किए। मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग क्ले पॉट्स। ओके, व्हाट वर्क दे स्टार्टेड, वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग देम, वीविंग क्लोथ, मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग क्ले पॉट्स, मिट्टी के पॉट्स। थस देर वर आर्टिसंस एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, इस तरीके से वो अलग अलग टाइप के काम में बिजी हो गए और वो एंगेज भी हो गए डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग, अभी अगर आपने देखा होगा फार्मिंग कैसे करते हैं, तो फार्मिंग के लिए कोई भी एक इम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करते हैं, अलग अलग टाइप के इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, देखो दीज आर ऑल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, ये आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में, यह आपने आपके फार्मिंग में भी देखे होंगे ऐसे इम्प्लीमेंट्स। नाउ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशंट एंड मॉडर्न, मीन्स पुराने ज़माने में इम्प्लीमेंट्स कौन से यूज़ करते थे, और मॉडर्न मीन्स अभी के ज़माने में कौन से फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। विजिट एन एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन, यू कैन ऑल्सो विजिट एन एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन, अगर कहाँ पर एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन हो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको अलग अलग इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलेंगे और फार्मिंग के अलग अलग तरीके भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।